सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां रुख सब तो पहला करांगे मानसून इजलास दे वल। जी हाँ, पंजाब विधानसभा का मानसून इजलास बुलाउण की तैयारी दे विच है पंजाब की सरकार। सूत्रां दे हवाले दे नाल जो खबरां ने उसके मुताबिक है कि 15 सितंबर तो पंजाब विधानसभा का मानसून इजलास बुलाया जा सकता है। इस नूं लैके पंजाब सरकार के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। चर्चावां ने कि जल्द ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चीज़ का ऐलान कर सकते हैं कि 15 सितंबर तो पंजाब दे विच विधानसभा का मानसून इजलास बुलाया जा सकता। हालांकि भी दस दिए कि 3 सितंबर को स्पैशल इजलास बुलाया गया है। एक दिन का स्पैशल इजलास 3 सितंबर को भी रखा गया है। कल ये मानसून इजलास तो पहला का इजलास हो जा रहा है। इस इजलास के सिर्फ तो सिर्फ गुरु साहब के गुरपुरब को लेकर चर्चावां कीतियां जानियां ने, पर जो 15 सितंबर को मानसून इजलास बुलाया जाना उस दे विच पंजाब के कई वक्खो वक्खरे मसलों के उत्ते चर्चा होएगी, जिन्हां दे विच बिजली समझौते भी होणगे, जिन्हां दे विच नशे की STF की रिपोर्ट के उत्ते भी चर्चा होएगी, तिने खेती कानूनों रद्द करने लैके भी चर्चा होएगी। पंजाब सरकार किन्हां फलां ते सब्जियां ते MSP देने की भी तैयारी कर सकती है, इस दे बारे भी सूत्रां दे हवाले नाल खबरां ने। पर इस दे उत्ते विस्तार नाल चलदियां सिद्धा सुरेंद्र डल्ला होणा दे वल। डल्ला साहब, की कुछ इस खबर दे विचों निकल के तुहाडे तक पहुंची है कि 15 सितंबर तो मानसून इजलास बुलाया जा सकता है, सूत्रां दे हवाले नाल खबर है, तुसीं किस तरह वेख रहे हो इसनूं? देखो, विधानसभा सैशन की संभावनावां ते काम होण लग गया। हरीश रावत होना ने भी किया, देखो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू होना ने तो पहला ही मांग की सी, जदों उन्होंने उन्होंने एक वीडियो जिदे विच उन्होंने मांग की सी कि जिहड़े फॉल्टी PPA ने, पावर परचेज एग्रीमेंट्स ने, उन्होंने एक टर्मीनेशन ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट एक्ट के जरिए एक एक्ट लिया के इन्हों रद्द किया जाना चाहिए, जिहड़े फॉल्टी PPAs ने। उस दिन उन्होंने कहा कि गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े मौके जिहड़ा ये सैशन है ये बड़ा चंगी गल है, बहुत चंगा उपराला है, बहुत चंगा दिन है, पर ये नाल नाल अगर असी ये सैशन लंबा कर दिए तो गुरु साहब दीआं सिक्ख्यावां दे मुताबक असी लोक हित दे जिहड़े मसले ने वह हल कर दिए। सो हुण हरीश रावत उन्होंने भी उही संकेत दिते ने कि इस स्पैशल सैशन तो बाद एक होर सैशन है जिहड़ा बुलाया जा सकता है, और ये नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दी भी मंग सी, और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर ने प्रगट सिंह वह भी लगातार इस गल की वकालत करते हैं कि एक वड्डा सैशन बुला के, लंबा सैशन बुला के उहदे विच बकायदा तौर दे उत्ते एक गल की जा सकती है कि असी किहड़े किहड़े मसले सैशन दे विच कानून बना के नबेड़िए, या किहड़े किहड़े मसले ने उहनां दे उत्ते असी एक फैसला लईए कि असी इहनां नूं हुण लागू करांगे। सो हुण हरीश रावत उन्होंने भी कल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मीटिंग दे विच संकेत दिते ने कि सैशन बुलाया जा सकता, और अगर सैशन बुलाया जाता मैनू लगता है कि भावें सारे PPA सरकार हजे नहीं रद्द करन दी स्थिति, पर कुछ पावर परचेज एग्रीमेंट्स रद्द करन दा ऐलान जरूर विधानसभा दे विच हो सकता है, और अगर कोई जिवें नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने कहा कि कोई कानून लिया के PPAs नूं रद्द किया जा सकता है, सरकार उहदे ते विचार कर सकती है आउंदे दिनां दे विच। और इस तो अलावा 3 खेती कानून ने जिहड़े उन्होंने रद्द करन दा फैसला भी इस विधानसभा सैशन च हो सकता है, और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये मांग कर रहे हैं, प्रगट सिंह भी लगातार मांग कर रहे हैं कि विधानसभा सैशन के जरिए क्यों ना असी इन्हां 3 खेती कानूनों एक बारी मुढ़ों असी रद्द करिए, कि जिहड़ा साडा दृढ़ संकल्प है कि असी पंजाब दे किसान दे नाल खेतीबाड़ी सैक्टर दे नाल खड़े हाँ, वो साडा दृढ़ संकल्प है जिहड़ा लोकां च जावे, और इहदे नाल जिहड़े होर तमाम पेंडिंग मसले ने, बहुत सारे मुद्दे ने, उस सारे मुद्दे ही बड़ी गहराई दे नाल विस्थार दे नाल विधानसभा सैशन बुला के उन्हां ते सेहतमंद डिबेट की जाए, और पंजाब दे लोकां नूं पूरी ट्रांसपेरेंसी दे नाल दस्या जाए कि केड़ी केड़ा जिहड़ा साडा वादा है जिहड़ा असीं कहा सी कि असीं पूरा करांगे उहदी अज स्थिति की है, घर घर नौकरी दे मसले की स्थिति की है, किसान कर्जा माफ़ी की स्थिति की है, ये सारे मसलों के उत्ते जिहड़ी स्थिति स्पष्ट होवे, नशियां दे मामले ते सरकार कित्थे खड़ी है। वो ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी बयान दिता कि असी तस्कर फड़ ले, असी हीरोइन फड़ ली, वो बड़ी चंगी गल है, पंजाब दी पुलिस ते साडी जिहड़ी केंद्रीय एजेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो अपनियां जानां कुरबान करके भी नशा बरामद करदे ने, पर जिहड़े पिछले समयां च चिट्टे दे व्यापारियां ने पंजाब दे नौजवानां दा घाण कीता, घट्टो घट वो सारिया बारे पता लगे, जिहड़े 13 लोग ने जिहड़े जिन्हां दी एक्सट्राडिशन मंगी गई, पता तो लगे भी कि दूसरे मुल्कां दीआं सरकारां ने उन्हां 13 लोगों बुक किया, उन्हां ते केस दर्ज किए,
अगर उन्होंने दूसरे मुल्कों के केस दर्ज होंगे तो ही उन्होंने एक्सट्रैडिशन हो सकती है। सो 4.5 साल तो सरकार के कारगुजारी हो गए, कार्यकाल लांघे, सो 13 लोगों की एक्सट्रैडिशन का मसला जिहड़ा वह भी छोटा नहीं है। दूसरे मुल्क चो अपने मुल्क किसी व्यक्ति को लियाना हो सालों साल वो लंघ जाते हैं, इस करके जरूर सरकार को विधानसभा सैशन बुला के ये भी पूरी क्लैरिटी पब्लिक इंटरस्ट के दे देनी चाहिए। तो हम रुक करांगे कांग्रेस के घरेलू कलेश के वाल। कांग्रेस के चल रहे आपसी कमासान के विचकार जिस तरह कल हरीश रावत की एंट्री हुई सी, हरीश रावत की एंट्री कितना कितने इस चीज़ के संकेत ने कि जो आपसी ग्रह कलेश इन्हां दे विच चल रहा है उसनू खत्म करन दे लई तवज्जो है जिहड़ी दित्ती जा रही है सारे मामले नू, ते हाईकमान दी वल्लों पूरी बरीकी दे नाल इस मसले दे उत्ते सुनवाई भी हो रही है। कल बीते दिन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल भी मुलाकात हुई है हरीश रावत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सिसमा स्थित फार्म हाउस से मुलाकात तो बाद हरीश रावत दे वल्लों सड़क के उत्ते ही प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है सिसमा रोड के उत्ते। उस दे विच उन्होंने वड्डियां गल्लां दे संकेत दिते ने। उन्हों का कहना है कि आने वाले दिनों 18 सूत्री एजेंडे के उत्ते पंजाब की सरकार एक एक मसले को हल करेगी तो उस सारे एजेंडे के उत्ते पूर्ण तौर के उत्ते निगाह रखी जा रही है तो उसको पूरा करन दियां सारियां तैयारियां हो चुकी हैं। हमने माननीय चीफ मिनिस्टर से भी आग्रह किया कि वो अपने समझे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लोग हैं उनसे यथासंभव जो संभव कानूनी तरीके से संभव एक्शन है उसको इनिशिएट करवाएं और उसमें बहुत सारा एक्सेप्ट इनिशिएट। दूसरा मामला जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो था कि 3 कानूनों को जो कृषि कानून हैं भारत सरकार ने बनाए उनको निरस्त किया जाए। क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार की क्या सीमा है और संविधान क्या कहता है वो सब कुछ देखना पड़ता है पड़ेगा। मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो और उनकी गवर्नमेंट पहले भी प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्होंने 3 कानून ही पास नहीं करवाए बल्कि उन कानूनों को लेकर के यथासंभव राजनीतिक दबाव भी बनाया और ये भी एक तथ्य है। जलियांवाले बाग के विच हुए नवीनीकरण को लेकर कांग्रेस आपस के विच ही पट उताड़ नजर आ रही है। एक पासे राहुल गांधी इस सब नूं इतिहास नाल छेड़छाड़ करन दा मामला साबित कर रहे ने, उधर दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने कि मैनूं जो भी उत्थे डिवेलपमेंट हुई है वह पसंद आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उसकी तारीफ करते हैं पर राहुल गांधी के वलों इस चीज़ को जरूर दरकरार किया जा रहा। उन्होंने कहना है कि इतिहास के नाल छेड़छाड़ करके इतिहास खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सुनाने, उधर इस सारे मसले के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी हुई है तो राहुल गांधी का समर्थन किया आम आदमी पार्टी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के आगू कुलतार सिंह संधवा का प्रतिक्रम सुनाने। आई ओनली कैन टेल यू दैट फ्रॉम द आई डोंट नो व्हाट हैज बीन रिमूव्ड, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मैं भी उस रात को बोला था टू मी इट लुक वेरी नाइस। यू नो 102 ईयर्स हैव पास्ड, 102 ईयर्स में कहीं टेढ़े आ जाती हैं कुछ हो जाते हैं तो इट लुक्स वेरी नाइस बट आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। जलियांवाले बाग की इतिहासिक दिख जां तां ओह कहिंदे ने ओह क्लेम करदे ने अमृतसरीए साडे जिहड़े उत्थों दे लोकल लोग ने जिहड़े सुहिरद लोग ने जिहड़े इतिहास तों जानकार ने जिन्हां नूं साडे देश नाल प्यार है जिन्हां नूं साडे आजादी परवानियां दीआं कुर्बानियां ते माण है ओह इह क्लेम करदे आ कि उत्थों दी दिख नूं बिल्कुल मिटा दित्ता गया उहनूं दिख नूं खत्म करन दी कोशिश कीती गई जिहड़ी इतिहासिक जिहड़ी महानता वाली दिख सी उहनूं खत्म करन दी कोशिश कीती गई है। जे वाकई सही है तां इक बहुत वड्डी अणगहली है ते एक साजिश भी है और आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि यह बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मैं पंजाब सरकार तो मांग करदा कि पंजाब के विधायकों की
पंजाब की विधानसभा वालों एक स्पैशल कमेटी बनाई जाए जिहड़ी कि जल्लियांवाला बाग दे विच की होया उत्थे पहलां की सी जिहदे विच उह इतिहासकारां दे कमेंट भी लवे कमेटी जिहदे विच उह सारे दस्तावेजां नूं खंगाले जिहदे विच की उत्थे होया की चेंजेस कीतीआं गईआं उहनां दा एक रिकॉर्ड मेनटेन करे और एक वैसे कम तां एक दो दिन दा लेकिन एक महीने का समा लावे वह कमेटी और वह पंजाब की विधानसभा दे विच वो रिपोर्ट रखे कि उत्थे की कुछ होया क्योंकि साडे दिलों नाल जुड़ी हुई गल है जल्लियांवाला बाग की इतिहासिक दिख असीं रखनी चाहुंदे आ। उधर दूजे पासे भाजपा भी इस मामले दे विच पिछे नहीं, भाजपा के आगू तरुण चुगते वालों भी इस मसले दे विच दखल दी गई है। उन्होंने सीधे तौर के उत्ते राहुल गांधी ते सोनिया गांधी के उत्ते टिप्पणी की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल्लियांवाला बाग के विकास वास्ते करोड़ों रुपए दिते, अज उहदे तीन गैलरियां बनियां, शहीदां दी याद वास्ते शहीदां ने किस तरह शहादतां दित्तियां उहनां दीआं कहानियां उहनां गैलरियां च लगियां। शहीदी कुआं जिहदी हालात जर्जर हो चुके, जिहनूं नोरा पुनर निर्माण कीता, पूरे बाग दा पुनर निर्माण कीता, ज्योति दा निर्माण कीता, बाग नवां बनाया। हालात यह सी कि जल्लियांवाले बाग च बाथरूम जाण वास्ते वी बाथरूम नहीं सी, टॉयलेट किसी यात्री नूं आंदा सी उह जा नहीं सी सकदा। इंटरनेशनल धरोहर उस जल्लियांवाले बाग नूं बनाउण दा काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उहदा विकास चौमुखी विकास अंदर लाइट एंड साउंड शो, पीण दे पानी का प्रबंध, शौचालय, शहादत दीआं चीज़ां नूं गौरवंत करना उहदा काम, कुएं का निर्माण, तीन गैलरियां का निर्माण, ज्योति का निर्माण, एक लंबा चौड़ा खाका बना के अपनी ड्यूटी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है क्योंकि शहीद देश की धरोहर ने। उधर राहुल गांधी भी देश के वख-वख मसलियां नूं लैके एक्टिव नजर आ रहे ने। राहुल गांधी दे वल्लों इस एक्टिव सियासत का मतलब है कि राहुल गांधी इस वक्त किसी नूं भी अजिहा मौका नहीं देना चाहते कि कोई भी उन्होंने पिछली कतार दे विच सियासत दे विच खड़िया वेखे, ते हुण लगातार हर मसले के उत्ते टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी दे वल्लों बीते दिन भी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वड्डे आगू सुरजेवाल दे नाल बैठ के की गई है। इस मौके दे उत्ते राहुल गांधी ने सीधा केंद्र सरकार दे GDP वधण दे संकेतों दे उत्ते उन्होंने टाच की। उन्हों का कहना है कि केंद्र दी सरकार दे लई GDP का मतलब गैस, डीजल अते पेट्रोल है, ते लगातार उस दीआं कीमतां वधा के इन्हां नूं लग रहा है कि GDP वध रही है। GDP का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कन्फ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और GDP किस प्रकार से बढ़ रही है वो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने UPA ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। उधर सुखबीर सिंह बादल ने भी 2022 दीआं विधानसभा चोणां दी तैयारी एक तरीके दे नाल मुकम्मल करन दी कगार दे विच ने, क्योंकि लगातार सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों अपने उम्मीदवार ऐलाने जा रहे ने। बीते दिन भी उन्हां दे वल्लों 6 दे करीब उम्मीदवार ऐलान दिते गए। बंटी रोमाणा दे समेत रूजी बरकंदी नूं भी ऐलान दिता गया है उन्हां दे वल्लों उम्मीदवार, ते खास तौर दे उत्ते मोड़ मंडी जिहड़ी मोड़ दी सीट है उस नूं लैके बहुत चर्चावां सी कि आखिरकार मोड़ दी सीट सी उह सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों मंगी जा रही सी, पर उस दे उत्ते एक्टिव पार्टी दे वल्लों जगमीत बराड़ नूं कीता गया सी। सो इह टिकट हुण जगमीत बराड़ नूं दे दित्ती गई है, ते जिस तरह दी किंतु परंतु सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों कीती गई सी उस तों पार्टी दे वल्लों कोई बहुता गौरिया नहीं गया। श्रोमणी अकाली दल का काफला रुकने वाला नहीं,
आ जिहड़े कांग्रेस वाले ते आम आदमी पार्टी सोचदे आ कि सरकार दे पुलिस दी शह ते रोकणगे, आ काफला हुण चल पिया, रुकना नहीं। आ सारा काफला भारतीय जनता पार्टी दी सरकार चाहुंदी है कि पंजाब दे पिंडां विच लोकां च लड़ाई पए। आ जिहड़ी सोच है ताइयों संयुक्त मोर्चा दे किसान जथेबंदी मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने कहा कि कल्ला असीं बीजेपी दे खिलाफ कीता है, आ जिहड़े लोक अज कर रहे है इन्हां दा साडा कोई किसान नहीं, कोई इन्हां दा मतलब नहीं। आ सारे कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे बंदे है अते सारे घबराए बैठे है। जे हिम्मत है अपना काफला चलाउण, बंदा नाल है नहीं, जुड़िया है नहीं, तो खाली काफला डरते हैं। इधर श्रोमणी अकाली दल बहादुर सूरमिया का काफला चल पाया, हुण रुकना नहीं। उधर चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी की हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस के कुलतार सिंह संधवा ने कई अहम मसलों के उत्ते टिप्पणी की। उधर MLA जयकिशन रोड़ी के वलों भी कई मामलों के उत्ते हरीश रावत के उत्ते भी टिप्पणी रही है। रावत साहब बार बार कभी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी सिद्धू साहब न कोई प्रोग्राम देंगे ने, कभी कैप्टन साहब न 18-31 कभी 9-31 प्रोग्राम देंगे ने, कभी इन्हों की सुलह सफाई करवाने लग पे ने। अज वो फिर कैप्टन साहब न जोड़े नुकते दे रहे हैं। अज कांग्रेस के कोल समा जोड़ा वो प्रोग्राम देने का नहीं है, कांग्रेस को अज पश्चाताप कर समा आ कि पंजाब के लोगों तो घट्टो घट माफ़ी जरूर मंगण कि 4 साल के उन्होंने डक्का तोड़ के दूरा नहीं किया। पंजाब के किसानों के नाल, मजदूरों के नाल, व्यापारियों के नाल, जेडे साडे मजदूर ने उन्होंने नाल सारे नाल धोखा किया। अज प्रोग्राम ना दिओ कैप्टन साहब, अपने रावत साहब कांग्रेस की सरकार को बेनती करना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को माफ़ी मंगो, थोड़ा माफ़ी मंगण का समा आ चुका है। उधर बीते दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब की पवित्र धरती के उत्ते नतमस्तक होने के लिए पंजाब के नवे गवर्नर पहुँचे ने। पंजाब के नवे गवर्नर के वलों इस मौके के उत्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब के नतमस्तक होया गया, गुरु घर दी खुशियां प्राप्त की गई ने। इस मौके के उत्ते पंजाब के नवे बने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों सन्मानित भी किया गया। उधर श्रोमणी अकाली दल ने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली भाव के सरना धड़े को वड्डा झटका उस वक्त दे दिता जो सरना धड़े का वड्डा नाम मने जाते सुखबीर सिंह कालड़ा आके शामिल हो गए ने अकाली दल के। इस लैके सिरसा के वलों टिप्पणी की गई है कि आने वाले दिनों होर कई वड्डे झटके जारी रहेंगे। सुखबीर सिंह जी कालड़ा जो कि सैकेंड टर्म मैंबर ने दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली वालों, वो सरदार हरविंदर सिंह सरना, सरदार परमजीत सिंह सरना, उन्होंने छड़ के अज जो कमेटी चुन के आई है जिन्हों मैंडेट मिले, बहुमत मिले है और आने वाले 4 साल अपनी कम्यूनिटी की गल कर सकन, अपने लोगों की सेवा कर सकन, अपने लोगों के मसले हल करा सकन, इस भावना के नाल बजाए कि दिल्ली कमेटी अड़चना बनन, रुकावटा बनन, काम रोकन, लड़ाइया कर, झगड़े कर, गाला क्ढन, उस चीज़ों तो उपर उठ के इन्होंने अज इस गल का फैसला लिया कि मैं जिन्हों के कोल मैंडेट आ, जिन्हों दिल्ली के सिखा ने दोबारा तो ये महान सेवा बख्शी आ, उन्होंने साथ देने वास्ते मैं आना चाहना और मैं अपने वालों दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, श्रोमणी अकाली दल वालों सरदार हरमीत सिंह जी कालका और सरदार सुखबीर सिंह जी बाल साहब वालों इन्हों जिथे जी आया कहना उत्थे ही मैं इन्होंने विश्वास दवाना कि असी मिल के एक टीम के रूप अंदर जिस तरह असी पिछले 2 साल देश और दुनिया के अंदर सिखा देश को दसना किया कि सिख इन्हां दी ताकत की आ, सिख किस सोचते हैं और किस तरीके मानवता की सेवा के नाल पूरी दुनिया का दिल जीते आए। असी सरदार सुखबीर सिंह कालड़ा साहब साडी टीम का हिस्सा होणगे, सरदार सुखबीर सिंह कालड़ा साहब साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा लगा के तो उन्होंने मसलों हल करवाने की कोशिश करेंगे जिहड़े कई सालों तो पेंडिंग आ, भावें हॉस्पिटल की आप गल करिए, भावें स्कूलों कॉलेजों की गल करिए। सो मैं फिर तो जिते आप जी जिया कहना है, मैं इस गल के उत्ते वचनबद्धता है कि साडा परपस एक आ, साडा परपस कोई धड़ेबाजियां नहीं, गाला कढ़ना, माड़ा चंगा बोलना नहीं, साडा परपस ये आ कि गुरु घर की सेवा के नाल नाल सिख कौम की चढ़ती कला देश के अंदर हर सिख अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यदी जिम्मेवारी बहुत वड्डी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को जिदे नाल जिदे वास्ते असी सरदार सुखबीर सिंह कालड़ा जी का धन्यवाद करते हैं कि असी मिल के इस जिम्मेवारी को बेखूबी निभाने की कोशिश करांगे। उधर सांझा अध्यापक मोर्चा के वलों कॉल दी गई है कि जेकर साडे मसले हल ना किए गए तो अध्यापकों के वलों अध्यापक दिवस के उत्ते पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। मेरा नाम आशीष चुलाहा जी, असी पंजाब के अलग अलग महकमे में कच्चे मुलाजम वजो काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल तो असं लगातार तनदेही सेवा निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2017 वोटों तो पहला साढ़े वादा किया जिमें सरकार बनेगी
तो कच्चे मुलाजमान पहल के आधार पर पक्का किया जाऊगा। पर साढ़े चार साल बीत जाने के बावजूद साढ़े झोलियाँ सिर्फ झूठे लारे ही मिले ने, उस तो अलावा कुछ नहीं मिले। इस करके अज असं दिल्ली आए हैं भी इस पार्टी दस आए, मुख दफ्तर दस आए भी तुहाडी जिहड़ी पार्टी ने सरकार बनी है, पर साडे नाल जो वादा किया गया मैनीफेस्टो के पेज नंबर 117 से या कैप्टन साहब ने ट्वीट किया या कॉफी विद कैप्टन किया साडे नाल, उस सारे वादे झुठला दिए गए हैं। साडी कोई मंग नहीं पूरी की, ना ही सानू पक्का किया गया। इस करके जिहड़ा तुहाडा मैनीफेस्टो असीं फ्रेम करा के लिया के आए हैं, यह सिर्फ एक टंगन जोग ही रह गया क्योंकि इहदे जो वादे से पूरे नहीं हुए। इस तो पहले कि तुसीं 2022 का मैनीफेस्टो तैयार कर रहे होवोगे तो तुसीं पहले 2017 के वादे ते झात मार लो, जो वादे पूरे होए ने तो 22 ते जाओ, अदरवाइज तुहानू वोटां मंगण दा हक नहीं हैगा पंजाब च। ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ GTV IMT ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਲਜ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ GTVIIT ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ GTV ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ GTV ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ IIM ਕਾਲਜ ਦਾਖਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਮਦਾ ਲਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 12:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਆਏ ਸੀ, ਨੇੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ GTVIIT ਦਾਖੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।